तो आ गए आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, हमारे पास काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम कौन सी मतलब कि क्वाटो से टिकट बुक करें कि हमको कन्फर्म तत्काल टिकट मिल जाए। लाइक उनका ये कहना है कि हम तत्काल टिकट बुक करें या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की प्राइस क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, कि इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ आप कभी दूसरे वीडियो नहीं देखेंगे तत्काल विस प्रीमियम तत्काल से रिलेटेड जो भी आपको इश्यू हो रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आप ध्यान से देखें और पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरू करते। सो फ्रेंड, आपको बहुत अच्छे से पता होगा इस समय तत्काल टिकट में बहुत मारामारी हो रही है। लाइक दोस्तों, जो गाँव से शहरों की तरफ गाड़ी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा गर्दी है, मतलब एक लिमिट जो होती है वो लिमिट से ज़्यादा उसमें गर्दी है। और दोस्तों रेलवे स्पेशल में ट्रेन भी नहीं निकाल लिए, और हमारे दोस्तों बहुत से रेल यात्री ऐसे हैं जो तत्काल टिकट पाने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, मतलब जो उसकी टिकट की प्राइस है उसका 4-4 गुना देने को तैयार है। यहाँ तक कि जो सेकेंड सीटिंग होती है जिसको हम चालू बोलते हैं उसकी भी तत्काल में बुकिंग होती है, उसकी दोस्तों जहाँ 500 प्राइस है लोग 2-2 हज़ार रुपये में बेच रहे हो, वो मजबूर हैं 2-2 हज़ार में। लाइक उनको बैठने के अंदर सीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो अपना यात्रा थोड़ा अच्छा करने के लिए 2 हज़ार रुपये देने को तैयार है। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देखें, दोनों में आपको डिफरेंस आज मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तत्काल टिकट की। दोस्तों तत्काल टिकट एक दिन पहले बुक होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और दोस्तों एसी 10 बजे बुक होता है। एसी की बात करें तो सभी एसी आ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और दोस्तों जो स्लीपर हो गया और सेकेंड सीटिंग हो गया ये 11 बजे एकदम राइट टाइम पर बुक होता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ, अब हम आते हैं प्रीमियम तत्काल के पीछे। तो दोस्तों प्रीमियम तत्काल की भी टाइमिंग सेम है, लाइक ये भी सुबह एसी 10 बजे और नॉन एसी जिसकी हम स्लीपर की बात करें और सेकेंड सीटिंग की बात करें तो 11 बजे ये भी बुक होता है। अब दोस्तों हम आते हैं तत्काल की प्राइस और प्रीमियम तत्काल की प्राइस में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जो तत्काल की प्राइस है वो फिक्स रहती है, आई मीन अगर उसमें 795 का आपका रेट है तो 795 ही आपको पे करने रहेंगे, अगर आपका टिकट बुक हो या ना बुक हो। और दोस्तों हम बात करते हैं जो प्रीमियम तत्काल है, इसमें दोस्तों प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहती है। हालांकि दोस्तों अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट दोस्तों दोनों में ही बराबर रखे जाते हैं, कुछ ऐसी ट्रेनें रहती हैं जिसमें कम ऊपर रहता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में सीट दोनों में ही बराबर रहते हैं। अब दोस्तों प्रीमियम तत्काल में क्या होता है, जैसे 110 सीट वो स्लीपर में रखें तो जैसे जैसे दोस्तों सीट फिल होता चला जाता है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। लाइक जहाँ आपका 800, 795, 900, 1500, यहाँ तक कि दोस्तों लास्ट टाइम में 2000 भी हो सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखें जब भी आप प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी उसकी प्राइस हो, लाइक अगर 1000 रुपये आपका टिकट है तो उसका दोस्तों 3 गुना या 2 गुना पैसा अपने अकाउंट में ज़रूर रखें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है पेमेंट करते करते उसकी प्राइस 3 गुना हो जाए और आपके अकाउंट में इतना पैसा ना रहे और ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखना ना पड़े। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं कौन सी टिकट निकालूँ, तत्काल टिकट निकालूँ कि प्रीमियम तत्काल टिकट निकालूँ, तो दोस्तों जिनका बजट कम है वो तत्काल टिकट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तत्काल टिकट जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि लास्ट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम रहता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं रहता। वही दोस्तों क्राउड ज़्यादा होने की वजह से प्रीमियम तत्काल टिकट में 2-2.5-3 मिनट लास्ट टाइम रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। दोस्तों प्रीमियम तत्काल में आपके पास ज़्यादा चांसेस है कन्फर्म टिकट मिलने का, तत्काल टिकट में आपको बैटिंग टिकट भी इशू हो सकता है, लेकिन जो प्रीमियम तत्काल रहता है उसमें दोस्तों बैटिंग टिकट नहीं इशू होता। अगर आपका टिकट बुक होगा तो कन्फर्म तत्काल टिकट ही बुक होगा, मतलब बैटिंग नहीं होगा, बैटिंग हो भी गया तो कन्फर्म नहीं होने वाला, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। वही दोस्तों अगर तत्काल टिकट में आपको बैटिंग मिलता है तो अगर तत्काल में जो सीटें बुक की गई है अगर उसमें से कोई कैंसिल करता है तो ही आपको तत्काल टिकट में मतलब जो बैटिंग टिकट मिला वो कन्फर्म होने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आरएसी कभी नहीं आता है, सीट फुल होने के बाद सीधा बैटिंग चालू हो जाता है। दोस्तों दोनों में सबसे मेन डिफरेंस प्राइसिंग का है, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस फिक्स रहती है और इसकी प्राइस फिक्स नहीं रहती है, मतलब ये बढ़ती जाएगी। जैसे आपने 895 में देखा, नाम वगैरह इंटर करेंगे जब तक पेमेंट मेथड जाएंगे सीधा आप देखेंगे 1900 रुपये आ गया, लास्ट 1600, 1700, 1800 आ गया, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों तत्काल से कहीं ज़्यादा गुना चांसेस है आपको कन्फर्म
टिकट मिलने का प्रीमियम तत्काल में, ये चीज़ आप ध्यान दो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में कहाँ से कहाँ तक बुक करना चाहिए। दोस्तों जो तत्काल टिकट होता है वो आप बीच से बीच के स्टेशन पे बुक करेंगे, वहाँ पे आपको सीट शो करेगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम तत्काल रहता है वो बीच से बीच के स्टेशन का आप नहीं बुक कर सकते। लाइक मैं अगर बात करूँ, कोई गाड़ी छपरा से बन के आ रही है उसका, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने जाऊँ, हर गाड़ी की दो चार्ट बनती है, एक दोस्तों छपरा से बनती है, एक दूसरा कहीं और बनता है। अगर आप छपरा से डायरेक्ट सूरत के लिए देखेंगे, मैं ताप्ती गंगा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रीमियम तत्काल आपको शो करेगा कि आप बुक कर सकते हैं इतने बजे, ये प्राइसिंग रहेगी। और साफ साफ दोस्तों यहाँ सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपको दिख जाएगा कि टिकट बुकिंग की टाइमिंग, मतलब ये प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, वो पहले वो मेंशन कर देते हैं। वही दोस्तों अगर आप उस गाड़ी का प्रयागराज छू के सूरत देखेंगे, तो वहाँ पे मतलब प्रीमियम तत्काल में बुकिंग नोट अलाउड रखेगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आप प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो गाड़ी जहाँ से जहाँ तक जा रही है वो देखें, या फिर उसके दो तीन स्टेशन बाद भी आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो कर देगा, क्योंकि एक जहाँ से जहाँ तक जाती वो भी रहता है, और एक उसके आगे का स्टेशन मतलब दो तीन स्टेशन छोड़ के भी रहता है। जैसे छपरा वाला जो ताप्ती गंगा, इसका छपरा से भी होता है और सागन से भी होता है, वहाँ पर भी दोनों जगह से आप बुक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल क्या सभी ट्रेनों में रहता है, तो तत्काल टिकट दोस्तों मोस्टली सभी ट्रेनों में अवेलेबिलिटी दी जाती है मोस्टली, लेकिन जो प्रीमियम तत्काल टिकट रहता है कुछ ऐसे ट्रेनें होते हैं जिसमें वो नॉट अवेलेबल का ऑप्शन देंगे, मतलब प्रीमियम तत्काल में वो सीटें नहीं रखेंगे। और सीट की बात करूँ दोस्तों, दोनों में ही आपको सेम सीट देखने को मिलेगा, सेम सीट मतलब अगर 110 इसमें भी स्लीपर है तो उसमें भी सेम सीट आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखें। और बुकिंग की बात करूँ दोस्तों, तो बुकिंग आप जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस आपको कोटा थोड़ा चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। बस दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखना मतलब देना है कि प्रीमियम तत्काल बुकिंग के दौरान आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा रखना है, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना। और चीज़ दोस्तों एक चीज़ मैं और ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से रेल यात्री ऐसे होते हैं, अपना एक्स्ट्रा में दिमाग लगाते हैं, सोचते पहले तत्काल टिकट बुक करता हूँ, अगर वो नहीं मिलता है तो प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट के पीछे भागेंगे तो दो मिनट आपका ऐसे ही चला गया, और प्रीमियम तत्काल के टिकट पीछे भागेंगे तब तक तो आपका सीट फुल हो जाएगा, प्रीमियम तत्काल टिकट में भी नहीं मिलेगा। तो हमारे बहुत से ऐसे रेल यात्री थे जिनको नहीं पता, जो दो गुना तीन गुना ज़्यादा पैसा देकर एजेंट से टिकट ले रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो किसी भी रूट से हो, लाइक बिजी से बिजी रूट पर एक बार वो खुद मोबाइल फ़ोन से ट्राई कर सकते हैं प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करके, ज़्यादा चांसेस है आपको मिलने के। हालांकि दोस्तों स्टार्टिंग में प्राइस बहुत कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बुकिंग होते जाता है वैसे उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। फिर भी अगर आपका 800 का टिकट है तो हो सकता है आपका 1500 में कंफर्म तत्काल टिकट बुक हो जाए प्रीमियम में, वही आप अगर किसी एजेंट से निकलवा रहे तो आपको 2500-2500 रुपये देना पड़े। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों सूरत बोय कृष्णा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तत्काल के पीछे कम भागो, प्रीमियम तत्काल के पीछे ज़्यादा भागो, क्योंकि जो तत्काल होता है ना जिन इन तरीके से सबको पता होता है, लेकिन प्रीमियम तत्काल टिकट बहुत कम लोगों को पता होगा। लाइक जो एजेंट हो गए उनको पता रहता है जो डेली बेस पे काम करते हैं, और जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको बहुत कम पता रहता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ उनको भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस यही है। और पेमेंट मेथड दोस्तों आप लाइक फ़ोन पे से कर सकते हैं, बेटर पेमेंट ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और अगर लॉगआउट की प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, ऐसी कोई इशू आ रही, तो दोस्तों वो सर्वर का इशू है, वो शायद मेरे हिसाब से ऐसा इशू आपको देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों टिकट बुकिंग करने से पहले आप मास्टर लिस्ट ज़रूर बना लें, जैसा मैं आपको बताता था। मास्टर लिस्ट बनाए से दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और जो एक चीज़ आता है ना कैप्चा, कैप्चा वगैरह आपको देख के डालना, आपके पास 2 से 3 मिनट लाइक लास्ट 2.5 मिनट तक का टाइम रहता है प्रीमियम तत्काल में। तत्काल में दोस्तों 1.5 से 2 मिनट में सीटें फुल हो जाती हैं, और बहुत से लोग को लॉग आउट कर दिया जाता है, बहुत से लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अपने हिसाब से आपको ये सब चीज़ें करना है। मेरा दोस्तों काम था केवल तत्काल और जो प्रीमियम तत्काल है दोनों में डिफरेंस बताना। तो दोस्तों थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा के आप कंफर्म तत्काल टिकट प्रीमियम कोटा से पा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बोय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।